राधे राधे, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरी न्यूज आइटम में। आज ना मैं कुछ ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे बिना डाई के, बिना मेहंदी के। तो मैंने ये क्या लिया हुआ है, ये है मेथी। तो मेथी को हमें कितना लेना है, आधा चम्मच। तो आधा चम्मच ये मेथी है और ये आधा चम्मच कलौंजी। तो हमें दोनों बराबर लेके इन्हें क्या करना है, कूट लेना है। इससे जो चाय वाला खलबत्ता होता है, या पीस भी सकते हो, कि मिक्सी में पीसेगा नहीं। तो हम इसमें इसे डाल के पीसते हैं। अभी मैं अभी डालती हूँ इसमें। अब हमें क्या करना है, इसे कूट लेना है अच्छे से, एकदम से बारीक बारीक कर ले। आप सिल से भी इसे पीस सकते हैं। देखिएगा ये हमारा दरदरा पीस के तैयार हो गया। हमें ऐसे ही इसको पीसना है। और हमें क्या करना है अभी मैं बताती हूँ। काली वाली कढ़ाई ली है लोहे की, इसमें 1 कप हमने सरसों का ऑयल डाला है। सरसों का ही डालना है क्योंकि जब भी हम कोई वो करते हैं, और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। देखिएगा हमें इसे लो फ्लेम पे ही हल्का हल्का गर्म करना है, ज़्यादा तेज पे नहीं करना, हल्का सा। और हमें इसमें जो भी हमने कूटा था वो सारा इसमें डाल देना है। हमें क्या करना है, 1 चम्मच ये चाय पत्ती भी इसमें डाल देनी है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐसे 1 बड़ा चम्मच ये हरी मेहंदी है, ये भी इसी में डाल देना है। हरी मेहंदी इसमें लाल कलर नहीं देगी, ब्लैक ही देगी। जब भी हम इसमें बालों में लगाएंगे तो हमारे बाल ब्लैक ही होंगे। और हमें आधा मिनट तक इसे अच्छे से इसमें पका लेना है, तेज आंच पे नहीं करना, इसको लो फ्लेम रखना है। हल्के से इसे हिलाते हुए और इसे पका लेना है हमें। ऐसे करके इसे हम पका लेंगे। देखिएगा ये हमारा पक के तैयार हो गया है। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हमें कम से कम 12 घंटे के लिए ढक के रख देना है। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो रात भर के लिए इसे ढक के रख दें। फिर उसके बाद इसका क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी इसे हम ढक के रख रहे हैं प्लेट की सहायता से। मैंने इसे ढक के रख दिया है और इसे ढके हुए 12 घंटे हो चुके हैं, यानी कि मैंने पूरी रात के लिए इसे रख दिया था। अब सुबह हो गई तो मैं इसे खोलूँगी। मैंने इसे खोल दिया है। ये देखिए जो भी इस काली वाली कढ़ाई का जो भी कुछ था इसमें छूट गया है और ये अच्छे से सब कुछ मेल्ट हो गया है। और हमें क्या करना है, इसे छन्नी की सहायता से इसे छान लेना है। बारीक वाली होती है ना, उससे छान के, और इसे किसी कांच की बोतल में ही रखना है। जो भी हम नुस्खा बनाते हैं ना देसी, तो उन्हें कांच की बोतल में ही भर के रखना चाहिए। तो मैं अभी इसे छानती हूँ। देखिएगा मैंने इसमें इसे ट्रांसफर कर लिया पूरा, और देखो हमारा ये धीमे धीमे से इसमें निकलता जा रहा। तो मैं इसे चम्मच से इसे हिलाते हुए सारा निकाल लेना है, और जो भी मोटा मोटा होगा वो हमारा इसमें छलनी में ऊपर रह जाएगा, उसे हमें फेंक देना है। और जो भी ये है ना इसे हम कांच की बोतल में भर के रख लेंगे। मैंने इसमें इसलिए छाना क्योंकि कांच की बोतल में कहीं फैले ना छलनी से छानते हुए। तो मैं भी इसमें छान के, देखिए हमारा ये ऐसा बच्चा है इसमें नहीं निकल रहा, तो इसे हमें फेंक देना है। देखिएगा ये हमारा बन के वाल तैयार हो गया है। मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। तो इसे सप्ताह में 2 बार लगाना है। जैसे आप सुबह से धो रहे हैं तो रात में इसे अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिएगा, और रात भर के लिए इन्हें छोड़ दीजिएगा, सुबह शैम्पू कर लीजिएगा। तो हमें सप्ताह में 2 बार लगाएंगे, और लगाने के बाद 1 दिन बाद शैम्पू कर लेंगे। तो आप इसे थोड़े दिन लगाएंगे तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपके बाल बाहर से ब्लैक हो रहे हैं, और आपको डाई या मेहंदी कुछ भी कलर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप यूज करके देखिएगा। तो आप लोगों को मेरा ये नुस्खा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यूज़ जरूर कीजिएगा इसको। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।